हेलो दोस्तों, फार्मेसी नाइट पर है। मैं दिनेश, फार्मासिस्ट, आपका स्वागत करता हूँ। सरकार कोरोना के लिए आपको बेवकूफ़ बना रही है साहब। कैसे? अभी तक मैंने टीवी पर नहीं देखा कि वायरस के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसको कभी नहीं आया है। ड्रग, वायरस को मारने के लिए जो ड्रग बनाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव, जो हमारा इफेक्टिव प्रोफेसर या जिसको साइंटिस्ट कहना चाहिए, वो था फार्मासिस्ट। टीवी पर आज तक नहीं आया, पता नहीं ये लोग कहाँ। डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है किस तरीके से कोरोना से बचाया जाए। बचाव के तरीके बता दिए जा रहे हैं, मुंह पे मास्क लगाइए और हाथ धोते रहिए। इसके अलावा पता नहीं क्यों लोगों का दिमाग चल ही नहीं रहा। जो इफेक्टिव हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये सरकार आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही साहब। मेडिसिन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको शो कर दूंगा और इस फार्मेसी नाइट पर शो कर दूंगा। आप इस पर बने रहिए और कोरोना के लिए कुछ सीरियसनेस दिखाइए, क्योंकि सरकार आपका साथ नहीं देने वाली। अगर एक बार कोरोना हो गया और बड़े बड़े टेररिस्ट, आतंकवादी ग्रुप और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं और बड़े बड़े लोग जो पैसा कमाना के तरीके ढूंढते रहते हैं, उनको पता चल गया पूरे देश को झुकाना, तो सिर्फ एक वायरस को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, महामारी फैला दीजिए, सब झुक जाएंगे। तो हम अपने काम पेश करते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद करूँ। बने रहिए फार्मेसी चैनल पर, हम अपना काम शुरू करते हैं। आजकल मेरे एक दोस्त हैं, उसको डिप्रेशन होने लगा। बोले मेरे पास काम नहीं है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन हो रहा है। रात को ये कोरोना, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन पता नहीं क्यों हो रहा है, और डिप्रेशन से बचने के लिए बीमारी होती है, इससे बचने के लिए लोग कुछ नहीं कर रहे। और ये सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, मेरे को लग रहा पूरी इंडिया भर में जो लोग काम नहीं कर रहे, घर पर बैठे, उनको डिप्रेशन हो रहा है। तो आज मैं आपको उस डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ मेडिसिन टेक्निक बताऊँगा और कुछ आयुर्वेदिक ड्रग बताऊँगा, जिससे आप डिप्रेशन से बच सकें। तो शुरू करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है निजैला, कलौंजी। कलौंजी बोलते हैं निजैला ऑयल को। कलौंजी का ऑयल लीजिए, 1 कप ऑफ वाटर लीजिए, इसको हीट कीजिए। हीट करने के बाद जो उसमें से जो भाप निकलेगी, उसको आपकी नाक से स्मेल अंदर लीजिए। थोड़ी छींक आएगी आपको, लेकिन सहन कर लीजिए, थोड़ा आपका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। बीट जूस, चुकंदर का जूस, चुकंदर का जूस इफेक्टिव होता है तनाव से बचने के लिए। ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं सिनामिन, दालचीनी। दालचीनी लीजिए, पानी लीजिए, उसको ग्राइंडिंग कीजिए, पीसिए उसको। पीसने के बाद जो लेप बनेगा, उसको अपने सिर पर लगा लीजिए, आपका तनाव डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कैस्टर रूट, अरंडी की जड़। इडिप्टा अल्बा, अभी आपको मालूम नहीं होगा ये क्या होता है। इसको बोलते हैं साहब भांगरे। भांगरे का जो लेप होता है, भांगरा, उसको बोला जाता है इडिप्टा, इडिप्टा अल्बा। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल की रूट लीजिए और भांगरा लीजिए, भांगरे का जूस लीजिए, उनको पीसिए और थोड़ा गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जो उसमें से भाप निकलेगी, उसको स्मेल अपने अंदर लीजिए, आपका जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, घर में यूज़ करने वाली ये आयुर्वेदिक ड्रग थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन ट्रीटमेंट देखेंगे। मैं अब आपको बताऊंगा मेडिटेशन का वो तरीका जिससे 100% आपका डिप्रेशन उड़ जाएगा। तो सबसे पहले दो टेक्निक बताऊंगा, सुनते जाइए। सबसे इफेक्टिव टेक्निक, नो प्रॉब्लम, समझिए। आप अपनी सांस को जोर से अंदर खींचिए और फिर उसी सांस को जोर से बाहर छोड़ दीजिए, जैसे रामदेव बाबा जी करते हैं, जोर से सांस अंदर, जोर से अंदर खींचिए, जोर से बाहर छोड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट ऐसे ही कीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो जोर से अंदर खींचना, जोर से बाहर खींचना, मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो ये उन लोगों के लिए है तरीका है जो बूढ़े हो चुके हैं, जो मेरी एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा आप बताने जा रहा हूँ वो नहीं कर पा रहे हैं, वो इसी तरीके से काम करें। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ मेडिटेशन का। आपने उन लोगों को देखा होगा जिनको माता आती है,
वो अपने क्या करते हैं, बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, हिलाते हैं, पूरा वाइब्रेशन करते हैं। पूरी बॉडी को वाइब्रेट कीजिए, चाहे तो म्यूजिक लगा लीजिए, वाइब्रेट करते जाइए, 15 से 20 मिनट तक वाइब्रेट करते रहिए बॉडी को। आपकी जो सांसें हैं ना ऊपर नीचे हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से आप सांस लेंगे बाहर छोड़ेंगे, सांस लेंगे बाहर छोड़ेंगे, कूदिए उछलिए, वाइब्रेट करते जाइए, वाइब्रेट करते जाइए, 15-20 मिनट इसको वाइब्रेट करते रहिए, वाइब्रेट करते रहिए। 15-20 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी सांसें उखड़ने लगी। जब तक आपकी सांसें एकदम तेजी से ना चलने लगे, बिल्कुल ऐसे जान हलक में ना आ जाए ना, तब तक करते रहिए आप। 15-20 मिनट के बाद आपका जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा। ये दो तरीके थे मेडिटेशन के लिए। एंटी डिप्रेशन ड्रग भी यूज़ करते हैं, बारबिट्यूरेट, बेंजोडाजेपिन, डाजेपम, क्लोराजेपम, ये बहुत सारे ड्रग आते हैं, पर डॉक्टर की सलाह से लीजिए, इनका काम मेडिटेशन केमिकल मिला रहते हैं इनमें, और भी बता सकता हूँ लेकिन आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, एक चीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा, कोरोना के लिए जितनी भी ट्रीटमेंट होंगे मैं उस पर देख रहा हूँ, पहले मैं इस बारे में बिल्कुल केयरनेस नहीं था, मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं थी इसकी, लेकिन अब मुझे लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है और ये दोबारा आएगा, तो इस चैनल पर बने रहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, दबाइए।